अच्छा, आज के वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच टिक पाएगी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के आगे, या फिर फुर्र हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्कोप खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और कमेंट पे वीडियो बनना ज़रूरी है। जब मल्टीपल कमेंट आते हैं किसी वीडियो पे, तो उस पे वीडियो बनाना मेरा काम है और आप लोगों को राइट डायरेक्शन देना मेरा काम है। तो फर्स्ट टाइम आपका रेडर चैनल पे आया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात हम करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा है, क्या उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टिक पाएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं बता दूं, देखो हर ब्रांच का एक पीक पॉइंट होता है और वो पीक पॉइंट 2022 है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का चल रहा है। मार्केट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिमांड धीरे धीरे ग्राफ नीचे आ रहा है। इसका ये मतलब आप मत समझिए कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को बेकार कह रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और भी उठेगा, और भी लोग आएंगे उसमें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्राफ इस तरह से भी ऊपर जाएगा। अभी क्रिप्टो की मार्केट है, जिस दिन क्रिप्टो की मार्केट अच्छी हुई, ब्लॉकचेन डेवलपर की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, शायद ह्यूमन लाइफ बदल दे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन की डिमांड इतनी ज़्यादा होने वाली है, शायद लाइफ में आप वो कर पाओ जो अपनी लाइफ में सोचे हो। तो फ्यूचर तो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, लेकिन उसके साथ कंपटीशन भी है। कंपटीशन में अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो कंपटीशन है, उसका लेवल बहुत ऊपर है और उस लेवल को क्रॉस करना शायद आपके बस की बात नहीं है। शायद आप इजीली क्रॉस नहीं कर पाओगे, शायद आपके लिए बहुत चैलेंजेस होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ, स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग सीखो, लैंग्वेज सीखो, वही आपका रास्ता है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब समझते हैं कंप्यूटर चलाना है। अरे भाई, कहाँ का ये पागलपन है, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। यू बीकम अ प्रोफेशनल कोडर, यू बीकम अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर। अमेजोन में जाओगे, फ्लिपकार्ट में जाओगे, किसी और कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पर आपको एज अ प्रोग्रामर ही लिया जाएगा, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर थोड़ी ना लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट और भी बढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ना। लेकिन उसमें लोग कम हैं, कंप्यूटर साइंस में तो लोग बहुत ज़्यादा हैं। अभी हर कॉलेज में मैं अभी स्टूडेंट से बात करता हूँ, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो जाकर ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है। इंस्टाग्राम पे भी बात होती है, करेडा ऑफिशियल पे, कभी कभी मेरी टीम बात करती है, कभी कभी मैं खुद बात करता हूँ। तो वहाँ से एक चीज़ मैंने एनालाइज किया कि बहुत सारे लोग कॉलेज में, अगर 100 सीट है कंप्यूटर साइंस में तो फुल है, 60 सीट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में है तो 20 लोग एडमिशन है, 5 लोग एडमिशन है, 10 लोग एडमिशन लिए हुए हैं। तो जब तक आप पास आउट हो गए, 22 में एडमिशन लिया, 26 में पास आउट हो गए, 26 में शायद आपके कंप्यूटर साइंस वालों से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की जॉब लगनी तय है, और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंप्यूटर साइंस वालों की जॉब नहीं लगेगी, लगेगी भाई, उनकी भी जॉब लगेगी। लेकिन यही है, अगर जहाँ 50 वैकेंसी निकलेगी, 50 लाख लोग अप्लाई करेंगे, वही वो कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत अप हो गया। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यूथ जो है ना डीमोटिवेट हो जाता है, उसको करना कुछ और होता है। अब जो 100 लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए, वो 100 इंटरेस्टेड नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। जो 100% लोग कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिए हैं, उसमें से 20-25% ऐसे लोग होंगे, हार्डली 25% लोग होंगे जो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड होंगे। बाकी तो भैया ये मार्केट का भौकाल देख के, अभी कमेंट भी आएगा, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे है, आप तो डीमोटिवेट कर रहे हो कंप्यूटर साइंस का। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस आपको रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूँ, जो हकीकत आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब इंडस्ट्री दिखाती है ना बाबू, तो बहुत परेशान हो जाओगे आप, और हकीकत जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हकीकत नहीं जानोगे, तब तक चीज़ें आपके लिए उस तरह से काम नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि 2026 तक CS में और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्या बेस्ट होगा, तो दोनों का कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। और उसमें मैं कहूँगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बेहतर जो पढ़ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कम होंगे, जिससे जॉब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जॉब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप सोच लीजिए ना कि इंडिया में बहुत सारी कंपनी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं। अब कोरोना में चीज़ें बंद थी, तो देखो भाई, अगर चीज़ें 2 साल बंद होगी, पूरा देश बंद था। अब चीज़ें धीरे धीरे ग्राफ अप हो रहा है, तो ग्राफ
और भी सही होने में विल टेक टाइम। जब तक वो टाइम नहीं दोगे, जब तक वो ड्यूरेशन नहीं आएगा, शायद आपके लिए चीज़ें उतने अच्छे से नहीं करेंगी, चीज़ें उतने अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। देखो कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है ना, अगर आप उसमें मास्टरी कर लो ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको नॉलेजबल होना बहुत ज़रूरी है। और इंजीनियरिंग की हर ट्रेड की कहानी, लेकिन कंप्यूटर साइंस में तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में एक लैपटॉप है आपके पास, ये लैपटॉप है, लैपटॉप पे बैठ के आपको प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्रामिंग सीखना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपनी स्किल पे ध्यान दो कंप्यूटर साइंस वाले, आज से ही काम करना शुरू कर दो, अच्छे से काम करना शुरू कर दो। जब आप आज से काम करना शुरू कर दोगे तो आपका कल बेहतर होगा, आपका फ्यूचर बेहतर होगा, आपके लिए लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। और नहीं करोगे तो फिर लाइफ में चीज़ें उसी तरह से निकल के आएंगे जिस तरह से आपके लिए आती हैं। परेशान रहोगे और आपको लगेगा कि अरे यार मैंने लाइफ में क्या कर दिया, शायद मैं ये नहीं करता तो मेरे लिए चीज़ें और बेहतर होती, शायद मेरे लिए चीज़ें और अच्छे से काम करती। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, होपलेस मत हो, होपलेस करने वाले लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डीमोटिवेट आपको करेंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले ली है तो आपने गुनाह कर दिया है, ऐसे लग रहा बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अरे भाई क्यों, क्या कंप्यूटर साइंस ब्रह्मा है, क्या कंप्यूटर साइंस भगवान हो गया है? अरे कभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी डिप अपने पीक पॉइंट पे था, जब एक रेवोल्यूशन आया था, चाइनीज फोन मार्केट में एंटर किए थे, चाइनीज कंपनियां आई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर्स कम पड़ गए थे, उसी टाइम तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बढ़ी, उसी टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लोग करने के पीछे भागने लगे, सबके दिमाग में आ गया नहीं अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना है। अब देखो जो लोग इंटरेस्टेड हो गए ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर सही से कर लें तो उनको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं कुछ कंपनियों का नाम ले लूँ, सिस्का एलईडी है, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, आईफोन जैसी कंपनियों में आपके लिए जॉब है और बहुत अच्छी खासी सैलरी पैकेज पे जॉब है। आपको लग रहा होगा कि नहीं बस ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आईफोन में एप्पल की जो कंपनी है वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस दुनिया में, इस अर्थ पे जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उस हर कंपनी में आपके लिए जॉब है जिस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप वहाँ तक पहुँच पाते हो या नहीं पहुँच पाते। हम लोगों को ना पहले तो आधे लोगों को कंपनी का नाम नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी कौन कौन सी है। कंप्यूटर साइंस का तो कंपनी जान जाते हो, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सारी कंपनियों में आपको जॉब चाहिए। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियों की भी बात करो भाई, उनके भी तो नाम जानो, उनके नाम नहीं जानोगे तो कैसे काम चल पाएगा। नाम जानना बहुत ज़रूरी है, जब नाम जानोगे तभी जाकर के चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छे से काम कर पाएंगी और शायद आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाओगे। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आप चीज़ों को समझिए, जानिए, उसके बाद फिर आप लाइफ में आगे बढ़िए। जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, उस चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, तब तक आपके लिए चीज़ें बड़ी ही मुश्किल होंगी। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग कंप्यूटर साइंस लिए हो वो मेहनत करो अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। दोनों ब्रांच में से कोई ब्रांच बेकार नहीं है, दोनों ब्रांच के अलग अलग वैल्यू है, दोनों ब्रांच के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। कोई ब्रांच कभी बेहतर होगी, कोई ब्रांच कभी बेहतर होगी, लेकिन हाँ स्कोप के मैटर में हम करेंगे तो दोनों ब्रांच ऊपर उठेगा, ग्राफ ऊपर उठना तय है। लेकिन कंपटीशन के नजर से आप देखोगे तो सीएस में कंपटीशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपटीशन कम होगा जब आप पास आउट होगे। तो बस ये था मेरे तरफ से कंक्लूजन, और होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेंट चैनल टेलीग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।